नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कर रहे थे। अप्रैल मंथ में हमने तीन सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट नियुक्तियाँ, इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ को मैंने देख लिया है। दूसरा में, सेकंड में हम बात करें तो अवार्ड एंड ऑनर हमने देख लिया। थर्ड में बुक एंड ऑथर्स। आज हम चौथा टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अप्रैल मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइंस और टेक्नोलॉजी से है उनको आज हम देखेंगे। ज़्यादा नहीं, गिन के 8 से 10, मोस्टली 7 या 8 10 ऐसे ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा LSST, LSST डिजिटल कैमरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कौन सा है? LSST, काफ़ी बड़ा है। ठीक, ये अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन एवं अमेरिकी ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको बनाया गया है। 3200 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, और चिली में इसको, चिली के वेरा सी रूबीना ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप में लगाया गया। वेरा सी रूबीना ऑब्जर्वेटरी, बस इतना ध्यान रखना है कि चिली में इसको स्थापित किया गया है। 3200 मेगापिक्सल का है और इसका नाम क्या है? LSST। ठीक, सेकंड, कृत्रिम सूर्य, ये दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य के द्वारा 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना, मात्र 48 सेकंड में इसने 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था टेम्परेचर। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों द्वारा। तीनों ने कृत्रिम सूर्य का 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस फ्यूजन रिएक्टर, अच्छा, सूर्य में जो ऊर्जा निकलता है वो हमको न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा निकलता है। फ्यूजन के द्वारा नहीं, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या हुआ? अणुओं को जोड़ना। सूर्य का पहला नैनोपोड, तीसरा का देखते हैं हम, सूर्य का पहला नैनोपोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म, सूर्य का विश्व का पहला नैनोपोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म, इसका नाम क्या है? प्रथम। इसको तैयार किया है IIT जोधपुर के द्वारा, विकसित किया गया है। ये नैनो सेंसर या नैनो सेंसर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह, इसको साइटोकिन्स, साइटोकिन्स क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के एक समूह साइटोकिन्स का शीघ्र ही पता लगा सकेगा। तो शरीर के विभिन्न प्रकार के बीमारियों का पता लगाने के लिए मोस्टली इसको विकास किया गया है। इसका नाम है क्या? तो UPSC में ये पूछा जा सकता है, नो कोड कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? प्रथम। IIT जोधपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का एक ग्रुप है साइटोकिन्स, उसका पता लगा। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण रोमानिया के एक अनुसंधान में किया गया। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया के रिसर्च सेंटर में किया गया, बस इतना इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा बिक्री केंद्र में ऑटोमोटिव ईंधन, इसका नाम रखा गया इथेनॉल 400, लॉन्च किया। इथेनॉल 400, लगभग इसमें 92 से 93% इथेनॉल रहेंगे। 5 राज्य में इसको मूल रूप से लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु। इथेनॉल 100 जो है 5 राज्य से प्राप्त किया जा सकता है, और लगभग लगभग 180-183 सेंटर है जहां से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका मूल्य ये क्या है, कहाँ से शुरू किया गया? तो नई दिल्ली से, नई दिल्ली में इंडियन ऑयल के खुदरा बिक्री केंद्र के द्वारा। स्पेस एक्स द्वारा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का टी सेट वन नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया। ये निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट टी सेट वन ए स्पेस एक्स द्वारा, इसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा, कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। कौन सा रॉकेट? फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
और लास्ट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, ये एफ एड की कमी से होता है, मोस्टली हीमोफीलिया है, कई बार सुने भी होंगे। जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक परीक्षण किया गया है, जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक परीक्षण किया गया हीमोफीलिया ए के लिए। तो भारत के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कौन, बेल्लोर, बेल्लोर में इसका किया गया परीक्षण। तो आज के लिए इतना ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्टली यही है जो पूरे मंथ का है। अब इसमें अगर कुछ बचता है तो इसको बाद में लास्ट में देखा जाएगा, दो चार पॉइंट अगर जब कुछ बच रहा है तो। मोस्टली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो भी थी वो मैंने कवर करा दिया है। हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।